उसके बाद देशमुख तैयार रहेंगे। मेरी ये जो कविता है एक बिटिया के ऊपर है जो कि पैदा होती है, इसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ी होने के बाद उसकी सदा विदाई का दिन आता है, मतलब उसकी शादी होती है, शादी के बाद विदाई का दिन है। उस दिन उस एक माता को और एक पिता को और उस बिटिया को क्या फील होता है, उसे रिलेटेड ये कविता हमने लिखी है। तो मैं बताता हूँ। कन्या दान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। कन्या दान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया, बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पत्थर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं, देखो अंतिम बार देहरी, देहरी का मतलब दीवार का दरवाजे का चौखट, देखो अंतिम बार देहरी, लोग मुझे पुजवाते हैं, आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं समझाते हैं। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, ऐसी भी क्या निठुरता है कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों में आंसू बद हवा सा दौड़ पड़ा। कातर बछिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोती थी, कातर बछिया सी बेटी वह लिपट पिता से रोती थी, जैसे यादों के अक्षर वह अश्रु बिंदु से धोती थी। मान को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला। माही वो एक अद्भुत है इस संसार में, जो कि जिसको सबसे ज्यादा दुख होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर घर से बाहर जाता है तो उसी को सबसे ज्यादा दुख होता है। तो माँ को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से कोई जो पीन चला। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, उसको कौन करेगा चुप, अब वह कोने में दुबक रहा। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है।